हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात और वेलकम बैक टू आवर चैनल। और एक बार फिर से आप सभी लोगों का चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारी ट्रिप हो रही है स्टार्ट। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा हम शॉपिंग करने गए थे, तो जो ट्रिप है अभी सुबह हो रहे हैं 5:30 और हम निकल रहे हैं एक सफ़र में, और उम्मीद करते हैं ये सफ़र आपको पसंद आएगा। तो ये करीब 5 से 6 दिन का ट्रिप है, तो आपको बहुत अलग अलग सब चीज़ें देखने को मिलेगा। थोड़ा सफ़र आपको गाड़ी से भी देखने को मिलेगा, ट्रेन से भी देखने को मिलेगा, सारी चीज़ आपको इस सफ़र में देखने को मिलेगी। और अभी काफ़ी अंधेरा है बाहर, आपको दिखा देता हूँ। तो बाहर अभी कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा है नज़ारे, तो जैसे ही थोड़ा उजाला होता है हम उजाले में पहुँचेंगे तो आपको भी दिखाएंगे, कुछ अच्छे अच्छे नज़ारे होंगे। तो चलिए करते हैं सफ़र की शुरुआत, और वीडियो में बने रहें। और कहाँ हम जा रहे हैं वो मैं आपको आज की वीडियो में थोड़ी देर बाद बताता हूँ। तो दोस्तों, ट्रिप की हो चुकी है हमारी शुरुआत, और 4 लोग अभी हम यहाँ से जा रहे हैं सीधा गुड़गांव को। तो देखिए मुंगा जी थोड़े से नाराज मित्र, ऐसे काम हमारा नाराज मित्र है थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर बाद भाई मैं अपनी एंट्री बाद हुआ गुड़गांव में, और यहाँ पे भरा रहे पेट्रोल, पेट्रोल भराया जा रहा है। देखिए तो दोस्तों, सुबह के बज चुके हैं 7 और हम पहुंच गए भाजपुर, और यहाँ पे रुके हैं हम चाय पीने के लिए एक टपरी में। तो 4 चाय बना दो। तो यहाँ ले लिए हम अपनी चाय, और यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि क्या करें क्या ना करें। तो अभी हम यहाँ पर आए हुए हैं और चाय पी रहे हैं। देखो दो 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 चाय ले रखी है इन लोगों ने, इन्होंने अपने हाथ में, और थोड़ा डिस्कशन चल रहा है। हम लोग कुछ प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या करें, कुछ लेटेस्ट डिस्कशन चल रहा है। तो हमारी ट्रिप में कुछ मॉडिफिकेशन होने हो सकती है, तो वो आपको बताएंगे। या अगर ये सरप्राइज रहेगा तो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो दोस्तों, जो हमारी ट्रिप थी वो थी जैसलमेर की, और यहाँ से पहले हम जा रहे थे गुड़गांव, गुड़गांव से हम गाड़ी से जा रहे हैं जो आपने देखा है, फिर वहाँ से हमारी ट्रेन थी बीकानेर तक, बीकानेर में हमारा था हॉल्ट, फिर वहाँ से था जैसलमेर, और ये करीब था 3 से 5 दिन का ट्रिप। तो अभी जैसे कोविड भी फैल रहा है, ओमिक्रॉन आ गया है, तो उत्तराखंड में भी हमारे नाइट कर्फ्यू और काफ़ी लॉकडाउन लग चुका है। तो अभी हम डिसीज़न ले रहे हैं, हो सकता है प्लान चेंज करें, मतलब कैंसिल नहीं होगा, कहीं हम दूसरी जगह जाएंगे, हो सकता है हम उत्तराखंड में ही घूमें और आपको फिर मैं पहाड़ ही दिखाऊँ। और इस बार प्लान था कि आपको मैं ट्रेन भी दिखाऊँ, और ट्रेन की जर्नी भी होगी, गाड़ी से जर्नी भी होगी, जीप से ही, मतलब अलग अलग तरीके से जितनी जर्नी हम कर पाएँ तो हम कर ट्राई था, और सब बुक था, होटल बुक था, ट्रेन बुक था। आप सोच रहे हैं कि कैंसिल करें या मतलब प्लान चेंज करें, तो जैसे डिसीजन होता है फाइनल तो आपको अपडेट देते हैं। तो भाजपुर में हम पहुंच गए दादा के ससुराल। भाभी नमस्कार। हमारे सबसे सर्वोत्तम मित्र सीएम साहब बैठो वहाँ सामने, कोई बात नहीं। हाँ, नहीं कोई नहीं। मैंने पूछा मार के चले जाना, ये देखिए कितना मजे से पी रहे हैं चाय और नाश्ता कर रहे हैं नमकीन का, और देखिए दोस्ती आपको दिख रही है, झलक रही होगी। पहले तो सोचे थे एक ही कप में पिए दोनों, फिर लेकिन माहौल को देखते हुए दो कप आ गए थे। और जो हमारी ट्रिप है जैसलमेर वाली वो ऑलमोस्ट हो चुकी है कैंसिल, तो हमने टिकट भी कैंसिल करा दी है, होटल वाले से भी बात कर दी है, और अभी हम सोच रहे हैं कहीं उत्तराखंड के पहाड़ों में ही जाया जाए, क्योंकि सडन प्लान बना, क्योंकि गाइडेंस और कर्फ्यू लॉकडाउन बहुत सारी चीज़ हो गई थी। तो एक साथ में जो फ्रेंड है वो भी आ रहा था, उसको भी कुछ इंजरी है थी पैर में, तो उसका भी कन्फ्यूजन था आना नहीं आना, तो इस वजह से हमने प्लान ऑलमोस्ट कर दिया कैंसिल। तो अब कहाँ जा रहे हैं वो भी हमें पता नहीं है, तो देखते हैं जहाँ भी चलते हैं आपको कराएंगे मज़े, और बाकी इंटरटेनमेंट में कुछ कमी नहीं होगी, बस डेस्टिनेशन हो चुका है हमारा चेंज। एक काम करो, पैर से दबाओ इसको, आराम से गद्दे से कर लो, गद्दे में दबा के भाइयों के लिए सारा ये बलिदान।
और देखिए आगे हमारा नाश्ता और यहाँ भी समय हो गया 9:30। इनको एक चादर दे दो, चादर से पोछेंगे। इनको रोटी बना दे दो, रोटी मुंगा को होटल वाली फीलिंग आ गई। बहुत बढ़िया। Two hours later. तो अब हम चल चुके हैं अपनी दूसरी मंजिल की तरफ। ऐसा आपको पहले बता चुके हैं कि जैसलमेर का प्लान हमारा कैंसिल हो चुका है। हाँ देखो, ये आप रूट देखिए और समझो, मेरे को दिखा रहा है रूट दिखाने पे। तो दोस्तों, जैसा अभी मैंने आपको बताया था कि हम पहाड़ में ही कहीं जा रहे हैं, तो जो प्लानिंग है अभी, मतलब एग्जैक्ट नहीं पता कि न्यू ईयर हम कहाँ सेलिब्रेट करेंगे, तो लेकिन यहाँ से पहला डेस्टिनेशन हमारा है द्वाराहाट। तो इससे पहले जब मैंने आपको, जब बहुत मेरे बहुत इनिशियल जब मैं वीडियो बना रहा था तब मैं गया था द्वाराहाट, तो शायद हम वहीं स्टे करेंगे या कहीं और स्टे करेंगे उसका एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन पहले ही हमारी डेस्टिनेशन है द्वाराहाट। तो 90% है कि हम वहीं स्टे करेंगे द्वाराहाट में। अगर कहीं आगे जाए या चेंज हो जाए तो उसके लिए हम आपको फिर हम अपडेट कर देंगे। और बाकी पहाड़ का रूट मैंने आपको काफ़ी वीडियो में दिखा दिया है, तो मैं ज़्यादा आपको रूट नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वो एज यूजल सेम ही रहता है पहाड़। तो दोस्तों, पहुंच चुके हैं हम रानीखेत और थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे द्वाराहाट। और अभी लंच के लिए हमने ब्रेक नहीं लिया है, तो देखते हैं। अब तो रानीखेत तो पहुंच ही गए हैं, तो देखते हैं रानीखेत में या इसके आउटर में जहां भी होगा तो वहां पे हम लंच के लिए रुकेंगे। यहाँ रुक जाते हैं, बढ़िया बढ़िया। दोस्तों गए हैं पहुँच रानीखेत और यहाँ पे रुके हैं खाने के लिए और जूस भी पीने के लिए रुके हैं। तो देखिए, और मूंगा चेहरा छुपाते हुए, चेहरा नहीं दिखाएगा वो, चेहरा दिखा दे रे। और यहाँ बन रहा है जूस और यहाँ पे बनेगा खाना। अंदर घुसेंगे बिल्कुल, जाओ दिल्ली पे। मणि धो दिया, एक मणि धो दिया साफ। हो यूट्यूब में आल तुम्हारा वीडियो, जर्नी मैन गौतम, गौतम हाँ सब्सक्राइब कर दिया तुम्हारा वीडियो, आ जाओ वो ही आ जाओ तुम्हारा वीडियो। जग में निकालो बिना छने, छलनी में लगाना है सारे पल्प वल्प ऐसा। और अब यहाँ पे खा रहे हैं केले, ठंडे में ही तो मजा है, ठंडी ठंड को काटती है। गरम गरम को काटेगा। हाँ ये है इसका राज, बन रही है बढ़िया सब माल्टा का जूस और जूस को इसका हम पियेंगे। घर के लिए है वो, इन्होंने बढ़िया दिमाग लगाया कि यूज कर रहे हैं। और अभी तक इतने माल्टा से एक ही गिलास निकला है अभी जूस। और यहाँ कंटेंडर हैं 4 पीने वाले, कस्टमर को खुश करने के लिए, कस्टमर को खुश करने के लिए इन्होंने इतना पीस मतलब बचाया है। इसे कहते हैं लाओ 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 दादा लाओ, आराम लाओ पकड़ो।
और लाओ लाओ ला। मैं ले आऊंगा। हाँ। आ जाएगा, आ जाएगा वो ले लेंगे। ये सारे हमारी जिम्मेदारी है। वाह, आज इन्होंने बड़ी जैकेट नहीं पहनी, वरना कभी कभी क्या करते हैं एक आध उसमें डाल देते हैं। आज नहीं डालेंगे, आज हमारी जिम्मेदारी है ये तुम्हारी हेल्प करनी। तुम इतनी हेल्प हमारे लिए कर रहे हो यार। और लाने क्या कोई नहीं हो जाएगा। थोड़ी सी मदद कर रहे हैं यहाँ माल्टा काटने में। पहले वीडियो बनूनी इतके आओ। हाँ बोलो मणि। पैसा नहीं हो रहा, रोज 100-100 का नोट जा रही। हाँ बस 100 ये पल्ले दिखो यार। दादी इतना दे दिया, ये रुपये भी चलने वाला नहीं था। मुश्किल है, इससे पुराना दिया है तो। अच्छा अच्छा नोट दो यार, ऐसे क्या दे दिया। मुश्किल है, ये नया नोट दो। हाँ अब ये चलेगा। ये देखो हिंदुस्तान में तो फॉर्म चल रहा है। भला रचा तुम घर कहाँ से? हमारे घर बेनाग। यार अम्मा का सामान मत लो यार। अंदर सब वो है, पैसे हैं। गडेरी भरी है क्या सामान? 50,000 को उधार मांगे। अच्छा 50,000 को उधार दे पूरे बिंगाई गाली। मुझे लगा आधा गिलास करो। हाँ हाँ देखिए हमारा जूस हो चुका है तैयार। दादा ऐसे मत करो यार। और बगल पे ही हम बैठ चुके हैं खाने के लिए और ऑर्डर कर दिया दाल कड़ी सब्जी रोटी और करते हैं सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा टेस्ट। तो ये आ गया हमारा खाना कड़ी और दाल। मतलब खा लिया तो ज़्यादा ये गलेगा। हमारे कॉमन है। हाँ तो अभी हमने एक दाल और मंगा लिया दो प्लेट पकौड़ी। दाल खा गया वो वाली अपनी साइड पे ले लेना तुम। थोड़ा तो यहाँ पे किया हमने अंदर बैठ के भोजन और हो गया हमारा भोजन। अब निकल रहे हैं सीधा द्वारा आठ को और यहाँ से रह चुका है 29 किलोमीटर। तो मोस्ट प्रोबेबली हमें आधा घंटा 40 से 45 मिनट लगेंगे और पहुँच जाएंगे द्वारा हाट। और हल्की हल्की धूप भी आ रही है यहाँ पे और ऊपर लगे हैं आसमान में बादल और इधर इधर को कहीं कहीं थोड़े बादल कम हो रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा दिख तो नहीं रहा होगा धूप, लेकिन यहाँ पे हल्की हल्की धूप आई है। इधर से देखिए, इधर से सूर्य देवता प्रकट होने का प्रयास कर रहे हैं हल्के हल्के तरीके से। दो बाकी पहुँच के द्वाराहाट और फिर जहाँ हम स्टे कर रहे हैं तो वहाँ आपको दिखाते हैं कैसा है और फिर कल का प्रोसेस क्या रहेगा, आगे किधर जा रहे हैं तो फिर हम आपको कल बताएं, क्योंकि हमारा भी अभी एग्जैक्ट नहीं है कि हम यहाँ से कल किधर को जाएंगे। और तो द्वाराहाट दोस्तों हम पहुंच चुके हैं और हमने स्टे ले लिया है जहाँ हमने लास्ट टाइम लिया था ताज में। ताज करके है कुछ एक रिजॉर्ट का नाम, तो आपको दिखा देंगे गेस्ट हाउस। ये देखिए तो फंस रहे हैं। और अभी मंगाए हैं मोमो और उसके साथ में आएगी मैगी और साथ में है गरम पानी। तो मोमो और चाय के बाद मंगाई है हमने मैगी और तीन मैगी आ चुकी है, एक कांटा और।
और आ गए हम बाहर निकलने घूमने, और ठंड देख रहे होगे आप थोड़ी सी बढ़ चुकी है, तापमान भी यहाँ पे गिर चुका है, हो चुका है 7 डिग्री। और देखिए हमारे मोंगा जी ने टोपी और मफलर दोनों चीज़ें निकाल ली है। तो ये हम आ गए द्वाराहाट की मार्केट में। तो यहाँ मार्केट घूमना है द्वाराहाट में, और हमें बगल में ही दिखा हनुमान मंदिर, तो वहाँ भी आ गए हम दर्शन करने वॉलीबॉल उसका, और शायद यहाँ रामलीला या कुछ प्रोग्राम भी होते होंगे क्योंकि मंच और कुछ बना रखा है यहाँ पे, बाकी इसकी मुझे जानकारी पता नहीं है। देखिए कितना अंधेरा हो चुका है और शाम के बज चुके हैं 6:30, और दोबारा हम जा रहे हैं मार्केट होके अपने होटल में। और जो ठंडक है उतनी ज़्यादा हमें लग नहीं रही है क्योंकि हल्द्वानी में जबकि टेम्परेचर यहाँ से ज़्यादा है, लेकिन हो सकता है वहाँ थोड़ी हवा की वजह से या हवा ज़्यादा चलती है तो वहाँ ठंडक ज़्यादा महसूस होती है, इतनी ज़्यादा लगी नहीं क्योंकि मैंने ट्रैक सूट पहना है, अंदर है गर्म शर्ट बस और बाकी टोपी और ये, वहाँ तो जैकेट भी पहनता हूँ मैं तब भी ठंड लगती है, यहाँ इतनी ज़्यादा किसी को नहीं लगी। आप सामने देखिए, तो ये देखिए द्वाराहाट रात में जगमगाता हुआ, और ये लोग आ रहे हैं दौड़ के यहाँ से। तो पहुँच गए हम अपने गेस्ट हाउस में, तो अभी देखिए लाइट जल रही है जगमगाता हुआ, और बाकी वैसे पूरा द्वाराहाट में लाइट जल रही है जगमगाता हुआ, बहुत बढ़िया लग रहा है। और ये हमारा गेस्ट हाउस, द्वाराहाट आएंगे तो ज़्यादा अच्छे होटल नहीं है, एवरेज रहने के लायक आपको नाइट स्टे करने लायक मिल जाएंगे, आप वो उम्मीद में मत रखिए, आपको बहुत ज़्यादा अच्छे मिलेंगे, हो सकता है ठीक ठाक हो या आपको दूसरी जगह जोशी मठ जा रहे हैं वहाँ पे होंगे, लेकिन यहाँ तो उतने ज़्यादा अच्छे थे नहीं, मतलब ठीक ठाक एवरेज थे, तो उसमें से हमने एक ले लिया। तो दोस्तों वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। पहले हमारी जर्नी और डेस्टिनेशन अलग था और फिर बाद में डेस्टिनेशन हमारा हो गया चेंज, तो अब इसी डेस्टिनेशन में उत्तराखंड में अब देखेंगे आगे आगे कहाँ जा रहे हैं। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, और आपको पूरे वीडियो में मस्ती और मौज मस्ती आपको पूरी वीडियो में देखने को मिलेगी। कल मॉर्निंग में मिलते हैं बहुत मस्ती के साथ, और आपको भी साथ लेके चलेंगे इस वीडियो के जरिए नए नए हिल स्टेशन के टूर कराने, कोशिश करेंगे हम आपको बर्फ भी दिखाएं इस टूर में। मुंगा जी ओके बाय गुड नाइट बोलो, बाय बाय गुड नाइट, कल मिलते हैं कल, स्वीट ड्रीम, लव यू, मिस यू।